ये सबसे पहले तो दुख इस बात का हो रहा है, वो बौद्ध धर्म जो पूरे दुनिया में फैल गया, जिसने पूरे दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाया, जिसने पूरे दुनिया में विकास का नया रास्ता दिया, जिन देशों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया वो देश दुनिया में सबसे आगे निकल गए। इसी बौद्ध धर्म को जो भारत से पैदा हुआ, हमें उसके लिए पर्सनल लॉ बनाने के लिए सालों से लड़ना पड़ रहा है। लानत है ऐसी पार्टियों पर, लानत है ऐसी सरकारों पर जो इतने लंबे समय से, सालों से हमारे लोग इस मांग को लेकर लड़ रहे हैं, उसके बावजूद वो हमारी छोटी सी मांग, हम बुद्धिस्ट तो है ही, और हम अपना सारा जन्म के समय से लेकर मरने तक का सारा क्रियाक्रम भी बौद्ध धर्म के हिसाब से करते हैं, लेकिन हम अपना सेपरेट एक बुद्धिस्ट लॉ, पर्सनल लॉ बनाना चाहते हैं। बना के तैयार भी कर दिया, केंद्र सरकार को दे भी दिया, उसको लेके बैठे हैं। नियत साफ नहीं है। नियत साफ क्यों नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा, कैसे समझेंगे? सब जानते हैं कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। जो लोग विदेशों से आए वो मालिक बने बैठे हैं पूरे देश की। कृषि योग्य भूमि सारी उनके पास, हमारे पास कुछ नहीं है। देश की सारी इंडस्ट्रीज वो सारी उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। प्राकृतिक संसाधन, कोयले की खान, पत्थर की खान, सोने की खान, हीरे की खान, तमाम तरह की खनिज पदार्थों की खाने, जंगल से होने वाला उत्खनन, नदियों से होने वाला उत्खनन, जहां से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, उसके भी मालिक वही है। हमारे पास क्या है? मूल निवासी होने के बावजूद देश की खेती की भूमि में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, देश की इंडस्ट्री में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, ये जो विदेशी लोग भारत में लगभग 4000 साल पहले आए, उन्होंने सब कुछ हमारा छीन लिया। वो हमारा हक हमें देना नहीं चाहते, और हमारी थोड़ी गलती ये है, हम छोटी छोटी जातियों को बट गए। बांटा उन्होंने अपने फायदे के लिए था। जब उन्होंने हमें गुलाम बनाया तब उन्होंने देखा इनकी संख्या बहुत है, जिस दिन इनको अकल आएगी अपना हक छीन लेंगे, जो कुछ हमने इनसे छीना है ये सब वापस ले लेंगे। तो उनकी समझ में आया कि क्यों ना इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, तो उन्होंने हमें छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। लेकिन आज बाबा साहेब के लंबे संघर्ष के बाद हमें 4000 साल की गुलामी से आजादी मिली। लेकिन आज आजादी के मिलने के बाद जब हमें पता है कि हमारा सबका खून एक है, देश के अंदर जितने मुस्लिम है 90% हमारे समाज के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट होते थे जिनके पेरेंट पूर्वज कभी, देश में जितने ईसाई हैं 100% हमारे समाज के लोग हैं, देश के अंदर जितने सिख हैं 70% हमारे समाज के लोग हैं, तो इतने बड़ी संख्या जिनकी 90% के करीब संख्या हो, वो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो लोग अपनी जाति को खत्म करने को तैयार नहीं है, तो भैया राज तो वही करेंगे। ये बात समझ लो कि हमें छोटा सा बुद्धिस्ट लो सेपरेट बनाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है, पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। जिस दिन हमने अपनी जाति तोड़ के अपने समाज को एकजुट कर लिया और बाबा साहेब के बताए रास्ते पे बढ़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन देश की सत्ता भी हमारे लोगों के हाथ में होगी। इसलिए मैंने एक नारा दिया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और अगर पूछे कोई तुम्हारी जाति क्या है, तो जवाब मैं कहूं अंबेडकरवादी। हमारी जाति अंबेडकरवादी। जिस दिन लोग इस बात को कहना सीख जाएंगे, अपनी छोटी जातियों को खत्म कर देंगे, उसके बाद हमारी जनसंख्या जब पता लगेगी कि हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है, हमें बुद्धिस्ट लोग मानना नहीं पड़ेगा, हम संसद के अंदर बैठ के अपने आप अपना लोग बना देंगे। और जो खेत की जमीन कोई माँ के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? जो प्राकृतिक संसाधन है कोई माँ के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? अगर नहीं तो उसमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं है, हमारा हिस्सा कहाँ है? इस बात को सबको समझना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अभी तो यही नहीं पहचान रहे कि हम लोग हमारे पूर्वज बौद्ध थे। अभी भी हमारे मेजोरिटी में हमारे समाज के लोग मंदिरों में लाइन लगा के खड़े होकर चंदा चढ़ाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है जो चंदा आप मंदिरों में चढ़ा रहे हो, इसी चंदे से तलवारें खरीदी जाती है और हमारे समाज के लोगों का कत्लेआम किया जाता है। हमें ये पता ही नहीं है कि जिस लाठी को हम तेल पिला रहे हैं वो लाठी हमारे ही सिर पे बजने वाली है। जिस दिन हमारे लोगों को ये समझ आ गया तो हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, हाथ जोड़ के हमारा हक हमारे हाथ में सौंप जाएंगे।
तो पूरे देश से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, इसलिए मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बुद्धिस्ट लॉ बनवाए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे, और अगर वो नहीं बनाते हैं हम प्राइवेट लॉ अपने आम आदमी पार्टी के सांसदों के माध्यम से प्राइवेट लॉ बिल जो है संसद के अंदर पेश कर देंगे। बिल तैयार है, ऑलरेडी मैंने दे दिया है सीएम साहब को, हमारी पूरी पार्टी की सहमति है इस पे। यहाँ मैं राजनीति करने नहीं आया, कुछ कहने पार्टी का नाम ले रहा है, लेकिन हम लोग इसमें समर्थन तो दे सकते हैं, इसमें तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हम इस बुद्धिस्ट लॉ को बनाने के लिए अपनी पूरी पार्टी जो हमारे सांसद हैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इसको बनवा नहीं देते।